हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट वाले सम्स। प्रूफ दैट पता है आपको? नहीं पता? उसके लिए क्या आना चाहिए सर? फॉर्मूला आना चाहिए। कितने फॉर्मूला आने चाहिए? 3 आइडेंटिटीज़ और बाकी बेसिक फॉर्मूले। तो देखते हैं हम लोग उसको कैसे यूज़ करके कैसे नवंबर 2020 का सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले आपको उठाना है LHS। तो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। तो LHS क्या लिखोगे? दिस इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो LHS उठा लिया। अब इसका RHS देखो, राइट हैंड साइड। अगर इधर माइनस इधर प्लस, ऐसा लाइफ में कभी भी हो, सुनना ध्यान से, ऐसा लाइफ में कभी भी हो कि एक आंसर में माइनस है एक साइड में और दूसरे साइड में पॉजिटिव है, या फिर एक साइड में प्लस है दूसरे साइड में माइनस, तो हमेशा आपको करना है रैशनलाइज। क्या करना है? रैशनलाइज। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग इसको करते हैं रैशनलाइज। सर रैशनलाइज मतलब? तो देख लो, समझ जाएगा। तो सेम टू सेम लिखेंगे, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद द प्लस साइन। सेम टू सेम लिखना है बट प्लस लिखना है। तो इट इज sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। तो आप एक रीजन डाल सकते हो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या फिर चलते। अब नीचे देखिए, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? सर ये क्या होता है? एक फॉर्मूला हुआ करता था बचपन में, a माइनस बी ए प्लस बी। सो आंसर वॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, आंसर वॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ देखते हैं, दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं पहले डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, देख रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी? हाँ सर दिखा। तो इसको लिखते sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, फिक्स है। ऊपर क्या है? वन इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग। अब नीचे वाले को देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? मैं आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इधर स्क्वायर है। तो आपने पहली आइडेंटिटी सुनी होगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, दूसरी सुनी होगी वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। ये देखो, पर सर वैसा सेम नहीं दिख रहा है, तो इधर आइए। तो आप इसको लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था सर? सेक्स स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अभी देखो अगर ये टेन स्क्वायर वहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो क्या बचता है, देयर फॉर वन इज इक्वल टू, उधर पहले से क्या पड़ा है सर? sec स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इट इज माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या दिख रहा है? वन। मतलब आप ये डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे? नीचे वन, और ऊपर क्या पड़ा है? sec थीटा प्लस टेन थीटा। सो आंसर आ चुका है हमारा, sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन। वन तो कोई लिखे ना लिखे एक ही बात हुआ। सो लास्ट स्टेप, LHS इज sec थीटा प्लस tan थीटा। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपल, LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर उसके बाद क्वेश्चन, और हैंस प्रूफ। सोचो 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया था, बच्चे फिर भी छोड़ के आ गए, क्यों? sec tan देख के। आप छोड़ना मत, ऑल द बेस्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने वीडियो बनाए, देखिए और इन्जॉय कीजिए।